What is making me more excited? I don't know what is making me more excited. Maybe there are so many people who live in denial. बोलते हैं कि ऐसी फिल्में देखने से पता नहीं अच्छा नहीं लगता है एंड ऑल द स्टफ़. तो मैं उस एक्साइटमेंट के साथ आई हूँ कि ऐसी चीज़ें मतलब क्या परिवर्तन हो रहा है जो कि भयानक है, जो कि हमारे आसपास ही हो रहा है. सो वो चीज़ देखने से मे बी आई विल बी मोर केयरफुल. और जो अवेयरनेस मैं कोशिश करती हूँ एनी वेज फैलाने की, शायद वो मैं सही ढंग से और अच्छी तरीके से कर पाऊँ. नॉट रियली कि मतलब सेल्फ डिनाइल मोड में जीना तो बिल्कुल नहीं चाहिए. यस आज मैं यहाँ पे आई एम जॉइनिंग हर योर टुडे. यस डेफिनेटली आई एम रियली एक्साइटेड. आज का जो ये फिल्म है, अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एजुकेशन है लेकिन एक बेसिक आई थिंक एज से एक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक पीपल आर मेकिंग एन एफर्ट नाउ, पीपल आर रियलाइजिंग इट. And such movies are really gonna help definitely, and it should start right from the education, right from schools. I feel people are getting aware, so I'm sure and I hope that more such films come in. Cinema is a medium which connects with audience very easily, so I think this is a very good medium, and more and more people get more aware and start using it. And a small little action with every citizen taking a small little action can make a huge difference. I have taken a lot of precautions. Even in my vlog, you can see, मैं बोलती रहती हूँ some changes that are extremely important. Plastic तो genuinely ban कर दे, plastic घर पे ban कर देते, लेकिन भाजी market से लेकर आ जाते हैं. तो कपड़े का bag लेके बाहर जाए ताकि आप उसी में भाजी खरीद के लाए. Use मिट्टी का या कांच का या whatever. स्टील पीतल के बॉटल्स विच आई डू यूज़. मैं पार्क में भी उतना हैवी बॉटल लेके जाती हूँ और मैं छोड़ के रनिंग भी करती हूँ. सो देर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस. आई मीन नॉट यूजिंग एल्यूमिनियम और फिर नॉन स्टिक में खाना नहीं बनाना. आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट. एक तरफ लगता है मतलब लगता है साइको मतलब, पर आप साइको जैसे नहीं करोगे तो आप बच नहीं सकते हो. इनफैक्ट मेरे घर में जो लड़का है हमारा हेल्पर, वो बोलता है हमारे ज़माने में तो मतलब घर गांव में तो ऐसे नहीं होता है. तो गांव में क्या नहीं होता है क्या होता है मुझे नहीं पता, पर जहां से अवेयरनेस शुरू होता है, अगर मैं एक इंसान को भी चेंज कर सके, आई थिंक ही विल गो बैक टू हिज विलेज एंड ही कैन चेंज. और वो जो भी खाता था विथ हिज डिफरेंट लाइफ स्टाइल, उसको हो गया डायबिटीज़, तो मैंने उसको वैसे समझाया, देख अगर सब कुछ को हम लोग कंट्रोल में रख सके, एक ही घर में रह के तुझे हो गया. पर इट्स जस्ट अबाउट कंट्रोलिंग वन सेल्फ. अगर हम शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल कर सकते. सो आई थिंक आई एम एबल टू मेक सम चेंजेस इन माई हाउस एंड द बॉय. वॉट अबाउट यू, डिड यू चेंज योर ड्राइवर? येस आई डिड. Okay, no, that's another story. But there's one thing I really want to add up here is बहुत ज़रूरी है ये बात जो मैं हमेशा, whenever I travel abroad, I do notice this. We have they have different way they segregate the garbage very beautifully. Especially amongst all the countries, I realized Germany was such a place that every household had these three garbage bins everywhere. The way the garbage was separated from the basic root. It's from your house. It is so important. It's easier for the entire people who are involved into this entire garbage disposal. And I think it starts basically from the house. There's so many people working out there and working in such different environment, getting into those gutters, getting into those pipelines, and it's so dangerous for them as well. I think once we start doing this, it will definitely make a lot of difference. We mix up paper, we mix up plastic, we mix up even food, you know, wet food. I think that's an important aspect. It will be easy for our government to have a safer, cleaner environment and a healthier place to live in. ये चीज़ प्लास्टिक के बदले में कुछ और का नहीं हो सकता? ये तो हो रहा, reuse हो रहा है, reuse. हर use करते रहोगे. Reuse. Thank you. Yeah.
उसको थोड़ा वैसे क्यों नहीं लगा? थैंक यू मैम, इधर इधर आपने आइए ना।